नमस्कार, DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राधा। आज 4 नवंबर है और अब वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों पर नज़र डालने की। तो आइए देखते हैं क्या है बिहार की 10 बड़ी खबरें। बिहार में आज 541 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 219,505 हो गई है। बिहार में फिलहाल 7,541 कोरोना के एक्टिव मरीज। जदयू के समर्थक के ऊपर माले के कार्यकर्ता को गोली मारने का आरोप लगा है। चुनावी बहस के दौरान सीएम नीतीश को लेकर टिप्पणी करने को लेकर इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। अररिया के रानीगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार बोले कि बिहार में इतना काम पैदा होगा कि लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दूसरे राज्य के लोग नौकरी के लिए बिहार आएंगे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि जंगल राज वाले आज बिहार की जनता से बोल रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे। पहले बिहार की जनता को जवाब तो दो कि तुम्हारे कार्यकाल में 25 से 30 लाख बिहार से पलायन क्यों कर गए। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के भारत माता वाले बयान पर कहा है कि बिहार में रोजगार, शिक्षा, दवाई, कमाई, यह सब अहम मुद्दे हैं। 2 दिवसीय कोसी दौरे पर जाने के क्रम में कहा कि यह 2 दिन बहुत ही आसान है, इसीलिए कोसी क्षेत्र में हमारा 2 दिवसीय दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि भारत माता की जय बोलना यह भारत की स्वाभिमान है और उनका कहना है कि भारत माता की जय एक ऐसा उद्देश्य है जो भारत के मान सम्मान, विकास, इन सभी चीज़ों में आते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि यूपी में कानून बनाने के लिए सीएम योगी को लोग धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन मैं तो राज्य सरकार में नहीं हूं, लेकिन यह बात साफ है कि लव जिहाद समाज को तोड़ रहा है, इसको लेकर सख्त कानून की जरूरत है। सिवान में पुराने विवाद में कई राउंड गोलियां चली है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल बताए जा रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। नालंदा जिले में हैवान पति के द्वारा पत्नी की पीट पीट कर हत्या की गई है। हत्या के बारे में आसपास के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी है, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर पति को गिरफ्तार कर लिया है। नवादा जिले के सुंदरी गांव के आहार में डूबकर एक किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के लगभग 20 घंटे बाद ग्रामीणों के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद किशोरी के शव को ढूंढकर बाहर निकाला गया। तो ये थी आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें। फिलहाल बिहार समेत देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए DTW24 न्यूज़ के साथ। अगर आप हमारे इस न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।